एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल सेकेंड नाइन है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर सिक्स, 7.1 का, ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं अभी कराती हूँ। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी ये है आपके पास, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड इज द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दे आर बेसिकली कन्वर्स ऑफ ईच अदर। एक में हमने कहा कि दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर हैं, दूसरे में हमने कह दिया कि तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं जिनका यूज हम 7.2 एक्सरसाइज में अलोंग विद कॉन्करेंसी के क्राइटेरिया करेंगे। तो 7.2 शुरू करने से पहले मुझे कहा जा रहा है, हाँ मैम जी बोलिए, साउंड नहीं आ रही। कौन सी क्लास में? 93 किस क्लास में साउंड नहीं आ रही है? हाँ जी, जिस जिसको मेरी आवाज सुन रही है, जिस जिस सेक्शन में हैंड रेज कर दो, जहां जहां आवाज सुन रही है हैंड रेज करो। वी में आवाज नहीं आ रही है, ओके ठीक है, हाथ नीचे कर दो। बच्चों अपने एंड पर ही चेक करना पड़ेगा, मेरे एंड से अगर आवाज जा रही है तो आपके एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है। एक सेकेंड मैं बोलती हूँ, रुको। नाइन्थ वी में आवाज नहीं जा रही, मतलब उनके एंड पे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बाकियों का अगर यहाँ से जा रही है तो हमारे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें नहीं, बातें नहीं, जिस भी क्लास में साउंड नहीं जा रही है उनको सुनेगा कैसे? रिकनेक्ट करना है कोई भी और सेक्शन से जाके। नाइन्थ बी में आवाज नहीं जा रही है किसी भी और सेक्शन से, प्लीज कोई बच्चा जा करके उनको बोल दो कि एक बार रिकनेक्ट करें, या तो फिर अपना माइक चेक करें, स्पीकर माइक अपना चेक करें, स्पीकर चेक करें आई शुड से, नॉट माइक। हाँ जी, कर नाइन्थ बी में, ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ जी, तब तक हम कर रहे हैं एक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सरसाइज 7.1। वहां पे गया है बच्चा ना कोई, देख लो। साउंड आ गई। आ गई, ठीक है बेटा। बस जी, बस बातें नहीं करने को कहा गया। लो जी, हमें कहा गया इस फिगर में ए सी इज इक्वल टू ए है, ए सी ए ई के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, इसके इक्वल है। आगे आगे, हाँ जी, तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में मुझे दी गई हैं और मुझे कहा गया है प्रूफ करो बी सी इज इक्वल टू डी ई। टू प्रूफ मैम बी, हाँ जी, करवा आपने उस दिन 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। दी थी, मुझे कहीं से किसी ने बोला है कि 7.1 क्वेश्चन नंबर सिक्स में अभी भी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट अगेन। नाइन्थ ए से बोला गया था कि सिक्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग राइट। चलिए, मुझे बी सी और डी
ई को इक्वल करना है तो सबसे पहला काम ट्रायंगल ढूंढना। इस क्वेश्चन में सीधे से दिया नहीं है किन ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करें, लेकिन मुझे मालूम है दो साइड्स को इक्वल करना है तो सीपीसीटी लगेगा, और सीपीसीटी का मतलब पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले लोकेट करना है कौन से दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्करेंट करूं। ऑब्वियसली उनमें ये दो साइड इंक्लूड होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, एक ये बी सी साइड के लिए ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और ये डी ई साइड के लिए, क्योंकि ये एंगल्स मालूम है डी ई साइड डी दिस ई डी सी ट्राइंगल में भी आ रही है, लेकिन इधर ये साइड या एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम मुझे। तो मैंने क्या किया, मैं एक ट्राइंगल ले रही हूँ ए बी सी और दूसरा ले रही हूँ ए डी ई। आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है जी। ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। अब इन दो ट्राइंगल में क्या कुछ मुझे नजर आ रहा है सामने से वो ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है जी। अब देखो जरा, ए बी सी ट्रायंगल की एक साइड ए बी, फर्स्ट ये ए डी ई ट्रायंगल की साइड ए डी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने मार्किंग भी कर रखी है, ये इसके इक्वल। ऐसे ही ए सी किसके इक्वल है, ए ई बेंच के इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल मिल जाती हैं तो मेरे पास दो पॉसिबल क्राइटेरियाज, एस 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 या तो फिर एस ए एस। यहां पर क्वेश्चन में एंगल्स की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तीसरी साइड के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो मेरे पास एंगल है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम पहले उसको देख लेते हैं क्या दे रखा है मुझे। यहां पर ये दो साइड, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करते हो तो ये दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब मुझे ये एंगल के बारे में बात करनी है। एंगल इंक्लूडेड बिटवीन इक्वल साइड वी हैव टू टॉक अबाउट। लाइकवाइज अगर मैं ए डी ई की बात करूं तो ये ए ई और ए डी इक्वल है, इसका मतलब इस पूरे एंगल की बात करनी है मुझे। अब इस पूरे एंगल के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया ये पूरा इस पूरे के बराबर करना है, लेकिन ये जो रेड से मार्क है ये ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं। इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन में गिवन था बी ए डी इज इक्वल टू सी ए ई, ये गिवन है क्वेश्चन क्या। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट डी ए सी, डी ए सी का मतलब मैं सिर्फ इतने एंगल की बात कर रही हूं, ये वाला एंगल। अगर आप ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, ये जो जो छोटे रेड एंड ब्लैक वाले हैं इनको ऐड कर दे तो ये पूरा ब्लैक वाला बन गया, विच इज वॉट आई नीड। लाइकवाइज ये बराबर था, इसमें ये हिस्सा ऐड किया तो ये बड़े वाला एंगल बन गया, यही चाहिए था मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं, डी ए सी इसमें ऐड कर देते हैं, डी ए सी प्लस बी ए डी, देखते हैं जरा, बी ए डी प्लस डी ए सी एंगल बन गया बी ए सी, और इधर था सी ए ई, इसमें मैंने एडिशन करी है डी ए सी की, तो ये हो जाएगा डी ए ई। तो जिन दो साइड्स की हम बात कर रहे थे उनका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल हो गया, तो दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए किस क्राइटेरिया से, साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हो गए हैं, और सीपीसीटी से आपकी जो साइड बी सी है वो साइड डी ई के इक्वल। तो यहां पर जो दो एंगल इक्वल दे रखे थे वो इक्वल साइड्स के बीच के एंगल नहीं थे, उसके लिए सिर्फ एक स्टेप करना था, एंगल डी ए सी ये बीच वाला कॉमन हिस्सा दोनों में ऐड कर देना। हाँ जी, जिसको डाउट था 9th ए से क्लियर हो गया, और कुछ, एनीथिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। चलिए जी, फिर 7.2 पर चलते हैं, और 7.2 में मैंने कहा कॉन्करेंसी के साथ साथ ये दो बातों का हमें इस्तेमाल करना होगा, एक
angle opposite to equal sides are equal, and second one is sides opposite to equal angles are equal. मैम जी बोलिए 7.1 का सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया वो जरा माइक के पास आ जाएगा पहले. आ जाओ फटाफट आ जाओ जिसको समझ में नहीं आया. सेवेंथ क्वेश्चन मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? कल हमने डिस्कस किया था, जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो मुझे बताओ, मैं उसकी क्लैरिटी दूंगी. ये ए है, ये पी है, ये बी, दिस इज ई, दिस इज डी. मुझे दिया है बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल एंड ए बी ई, ये वाला एंगल, ये दो एंगल बराबर दिए हैं. फिर दिया है ई पी ए, ई पी ए का मतलब ये वाला एंगल, और डी पी बी का मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर दे रखे हैं. अब ट्राइंगल्स कौन से कौन, और एक बात और दे रखी है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये इसके बराबर, ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन. अब मुझे दो ट्राइंगल जो कॉन्करेंट करने हैं वो कौन से हैं? डी ए पी को कॉन्करेंट करना है ई बी पी से, ई बी पी, ये वाला ट्रायंगल. लो जी, अब अगर हम ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें इन ट्रायंगल डी ए पी ड्रॉन इन ब्लैक एंड द ट्रायंगल ई बी पी ड्रॉन इन रेड, कुछ बातें गिवन है मुझे. क्या क्या गिवन है? ए पी मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया, और उसके बाद एंगल डी ए पी, ये ब्लैक वाले सिर्फ ट्राइंगल को देखो तो ये वाला एंगल है एक पर एंगल, और अगर रेड वाले को देखते हो तो ई बी पी, ये दो बराबर दिए हैं. ठीक है जी, और तीसरी चीज जो दे रखी है वो इन एंगल्स की बात की जा रही है. अब ध्यान से क्या देखना है मुझे, अगर मैं डी ए पी ट्राइंगल की बात करूं तो ये जो ब्लैक वाला मार्क्ड ट्राइंगल एंगल है ये कंप्लीट एंगल नहीं है पी पे बनने वाला. ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेड वाले ट्राइंगल में पी वर्टेक्स पे बनने वाला कंप्लीट एंगल नहीं है. इसे कंप्लीट करने के लिए ये जो एंगल है इन बिटवीन, ये दोनों की एडिशन इन दोनों में कर दूं तो एंगल ए पी डी और एंगल ई पी बी बराबर हो जाएंगे. सेम कॉन्सेप्ट जो सिक्स क्वेश्चन में लगाया था वही सेम चीज यहां पर आपको करनी पड़ रही है, एडिशन ऑफ द कॉमन पार्ट ऑफ द एंगल. गिवन था मुझे एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, मैंने क्या कहा? एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, ए पी डी में ई पी डी एड कर दिया और डीपीबी में भी ईपीडी ऐड कर दिया. एपीडी नहीं था, मुझे दिया था बराबर एपीई, सॉरी एपीई दिया है ना, ईपीए और डीपीबी, एपीई. एपीई में जब आप ईपीडी डाल देंगे तो एंगल एपीडी बन जाएगा, और जब आप डी पी बी ये ब्लैक वाले में ये रेड वाला ऐड करेंगे तो ई पी बी बन जाएगा. ए पी साइड बी पी के इक्वल थी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल हो गया, तो आपके ट्रायंगल्स कौन से क्राइटेरिया से कॉन्करेंट हुए? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच का साइड. सिर्फ अगर आप ब्लैक वाले ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दें तो मैं एक सेकंड के लिए इसको इरेज कर रही हूं, ये अगर आप ब्लैक ट्रायंगल को देखते हो तो ये टोटल एंगल
और ये एंगल और ये वाली साइड, तो एंगल साइड एंगल की बात बनती है। ऐसे ही थोड़ा सा इमेजिन करो, इसको रिमूव कर दो, ये वाले ट्रायंगल में ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये टोटल इस टोटल के बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो फिर मेरे पास ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हुए किस क्राइटेरिया से? ए एस ए। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं या अभी और रुकना है कहीं 7.1 में? हाँ जी, एट एथ क्वेश्चन में बताऊं दोबारा से? किसने पूछा एथ क्वेश्चन? माइक के पास फटाफट आ जाओ, मुझे क्वेश्चन सिर्फ ये बताओ कहाँ दिक्कत है, जल्दी से आ जाओ। जिसने एथ क्वेश्चन बोला आ जाओ, माइक के पास आ जाओ बेटा। चार पार्ट्स थे, कहाँ पर प्रॉब्लम आई है वो बताओ मुझे, मैं वो पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। शाबाश, जल्दी से। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आप लोगों ने करके देखा है, प्रॉब्लम आ रही है इसके मतलब कुछ तो भी करके देखा ही होगा। बस यही समझना है मुझे कि कुछ करके देखा है तो कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो कि समझ नहीं आया। बोल बेटा, चारों में से कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आई है मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी, फोर्थ में क्या है। पार्ट में प्रॉब्लम है। लो जी, फोर्थ पार्ट को हम देख लेते हैं। ये मेरा डायग्राम, ये है आपका ए बी सी, ये पॉइंट एम दिया है, ये डी दिया है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, सी पर राइट एंगल्ड है, एम मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, सी एम को एक्सटेंड किया है डी तक, कीपिंग दीज टू इक्वल। अब सी फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया सी एम को प्रूव करो हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। बेटा थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, ट्रायंगल डीबीसी को कॉन्करेंट किया है ट्रायंगल एसीबी के साथ। डीबीसी को कॉन्करेंट किया है एसीबी के साथ, तो सीपीसीटी से क्या ये साइड तुम्हारी डीसी और ये एबी इक्वल हो जाएंगी? ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से डीसी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि मुझे यहां पर सी एम और ए बी की बात करनी है। सी एम तो ये पार्ट है सिर्फ, इतने की बात नहीं कर रहे हैं हम, टोटल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का सी डी और इस ट्रायंगल का ए बी, सीपीसीटी से बराबर। ठीक है जी, मुझे कहा गया हाफ ऑफ ए बी, मैं हाफ ऑफ ए बी कर देती हूँ दोनों तरफ, हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बच्चे डी सी का आधा क्या एम पर हो रहा है? क्योंकि मेरे को कहा गया था सी एम को हमने प्रोड्यूस किया टिल डी, सो दैट सी एम इज इक्वल टू एम डी। अगर सी एम 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है जी, और इस पूरे का आधा करूं तो मैं उसको सी एम या तो फिर डी एम, दोनों में से कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर के हिस्से। ठीक है जी, तो इस हाफ ऑफ डी सी को मैंने लिख दिया सी एम, तो हो गया सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आ गया समझ में बेटा? और कोई प्रॉब्लम किसी की? एनी अदर प्रॉब्लम एनी वन एल्स इज हैविंग? अब तो ये 7.1 एक्सरसाइज ना, तुम्हारे को कोई सोते सोते भी पूछ ले तो पता होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये करना था। इतनी बार क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2 बार 3 बार स्कूल में कर चुके होंगे, 2 3 बार यहाँ कर चुके हैं, तो अब तो एटलीस्ट आंखें बंद करके भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है जी, चलिए 7.2 पर चलते हैं। लो जी, 7.2 में मैंने जैसे आपको बोला दो बातों का हमें और काम लेना है साथ में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट देम। चलिए जी, 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें यहां पर क्या कहा जा रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, डायग्राम ड्रॉ करते जाते हैं। ये है मेरा ट्रायंगल ए बी सी,
इक्वल टू ए सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. बाइसेक्टर का मतलब ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर. बाइसेक्टर हम बहुत बार यूज कर चुके हैं. बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर. एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों कहां पर मीट कर रहे हैं? ओके और अब मुझे क्या कहा गया? जॉइन ए टू ओ. जॉइन ए टू ओ. लो जी, ए और ओ को हमने कर दिया है जॉइन. अब पहली बात, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बताना है. बोलो जी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. सबसे पहले देखो, मुझे दिया था ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस. आइसोसेलेस का मतलब, और साथ में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी. आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर. कौन सी दो साइड बराबर दी है? ए बी एंड ए सी. अगर ए बी और ए सी साइड बराबर हैं तो कौन से एंगल बराबर होंगे बता सकते हो? एंगल बी एंड एंगल सी. एंगल बी एंड एंगल सी आर गोइंग टू बी इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ए बी के अपोजिट एंगल है सी और ए सी के अपोजिट ये पूरा एंगल बी. तो यहां से हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक है जी. अब ये जो बी ओ है इसने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया. ये पूरा बी पूरे सी के बराबर था. बाइसेक्ट करा तो मैं यहाँ पे, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो क्या मैं कह सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी? क्या ऐसा हो सकेगा? तो इक्वल चीजें हैं दोनों, दस दस क्वांटिटी है, आधा कर दिया पांच पांच, वो भी इक्वल ही होने वाला है. ठीक है जी. और अब ध्यान से देखना, हाफ ऑफ एंगल बी को मैं लिख रही हूं ओ बी सी और हाफ ऑफ एंगल सी को मैं लिख रही हूं ओ सी बी. लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाफ ऑफ एंगल बी इज बी ओ ए एंड ओ बी सी दोनों हैं. ऐसे ही ओ सी ए एंड ओ सी बी दोनों हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल सी है रिस्पेक्टिवली. लेकिन मुझे किसकी बात करनी है? मुझे ओ बी और ओ सी की बात करनी है. तो मैं इस ट्रायंगल के बीच में जा रही हूं, इनके बीच में अभी नहीं जा रही. ओके अब बताओ, अगर एंगल ओ बी सी, मैं मार्क कर देती हूं, ये वन तो ये भी वन. ठीक है जी. एंगल ओ बी सी इज दिस वन एंड एंगल ओ सी बी इज दिस वन. अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अब क्या हम कह सकते हैं इस एंगल के अपोजिट साइड ओ बी है और इसके अपोजिट ओ सी. तो कैन आई से ओ सी इज इक्वल टू ओ ओ बी. बी. दोबारा देखो ध्यान से, और जो बात समझ में नहीं है अभी साथ के साथ पूछ लो, रादर देन कि हम दोबारा दोबारा क्वेश्चन को करें. एक ही बार पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो, समझो, और जो पॉइंट में क्लैरिटी नहीं है वो पूछो. हमने क्या कहा सबसे पहले? ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है. दो इक्वल साइड उनके अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. हाफ कर दिया तो हाफ ऑफ एंगल बी इज एंगल ओ बी सी और हाफ ऑफ एंगल सी इज ओ सी बी. ये इक्वल है. अब अगर मैं ट्रायंगल ओ बी सी की बात करूं, ओ बी सी में अगर ये इसके बराबर तो इनके अपोजिट साइड्स दैट इज ओ सी इज इक्वल टू ओ बी एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. ठीक है जी. अगली बात मुझे बतानी है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. ये जो मैंने ए और ए ओ को ज्वाइन किया, अब मैंने बताना है कि ये पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूफ. तभी हम कहेंगे कि ए ओ इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर के हिस्सों में बांट रहा है. ठीक है जी. अब बताओ क्या कर सकते हैं. जब साइड्स को या एंगल्स को बराबर करने की बात आती है तो फिर से हम किस पर जाएंगे? अब
मैम जो आपने एंगल्स लिखे हैं इसमें बी ए ओ नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों गलत लिखे। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, सो दिस इज बी ए ओ एंड दिस विल बी सी ए ओ। ए का बाइसेक्शन करना है, ए को बाइसेक्ट करने वाला ए ओ, सो एंगल इज बी ए ओ एंड सी ए ओ। बोलिए जी, कौन एंगल ए से ट्रायंगल्स की अब मुझे बात करनी पड़ेगी पहले ये बताओ, और क्या लगाना पड़ेगा? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली बातों से बात बन जाएगी या कुछ और करना पड़ेगा? एम एंड ए बी ओ एंड एस ओ ए सी ओ को क्या करना पड़ेगा? कॉन्करेंसी कॉन्ग्रेंट। पे जाना पड़ेगा। एंगल्स को बराबर करने के लिए अब मुझे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना पड़ेगा? कॉन्करेंसी का। एंगल जो ये दो इन्वॉल्व हैं वो एक इस ट्रायंगल का पार्ट है और एक इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो मैं क्या कह रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। क्या क्या कुछ मुझे समझ में आ रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए ओ ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ या ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है। वी हैव प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मेरा टारगेट ही वही था वहां पर, ओ बी को ओ सी के इक्वल करना। तो ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्करेंट हुए किस क्राइटेरिया से? एस एस एस, तीन साइड्स आपकी बराबर हो रही हैं एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्करेंट, और सीपीसीटी से आई कैन से एंगल बी ए ओ इज सेम एज एंगल सी ए। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी देख लो सारे। दो पार्ट थे यहाँ पर, पहले पार्ट के लिए हमने सिंपल प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइज आर इक्वल वाली बात करी है, और सेकंड पार्ट में हमने कॉन्करेंसी लगा करके दो ट्रायंगल्स को इक्वल कॉन्करेंट किया, और फिर उससे हमने दो एंगल्स जिसकी बात की जा रही थी उसको इक्वल कर दिया है यूजिंग कॉन्करेंसी। हाँ जी, चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर चले। चलो नो मैम। जी, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो डायग्राम पर चीजें लेकर के आओ, और मैं भी पूछूंगी बुला करके माइक के पास कि क्या करना है, कैसे शुरू करें क्वेश्चन, फटाफट देखना था। फटाफट से जल्दी जल्दी लगा, बनाओ जरा डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद जो जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाओ, डायग्राम के ऊपर भी लेकर के आओ और अदरवाइज भी लेकर के आओ, लिखो कहाँ पर क्या दिया है, जल्दी जल्दी करो जरा। I'm ओके, लेट अदर्स ऑल्सो डू। थोड़ा जल्दी जल्दी करो क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ ना आए। अब आप लोगों को खुद से चीजें समझ में आनी चाहिए तभी फायदा है। ध्यान से देखते जाओ क्या क्या कुछ इक्वल दे रखा है, कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी देखो और बताओ मुझे। ट्रायंगल दिया है मुझे एबीसी, दिस इज माई ट्रायंगल ए बी सी, और अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है मुझे, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय, ये वर्ड बहुत बार आता है परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब तो सबको समझ में आ गया, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री। ए डी बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर के लिए इसको 90 डिग्री बता दिया, और बाइसेक्टर है इसका मतलब ये इसके इक्वल हो। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मैंने ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस बताना है, और एक्चुअली मुझे प्रूव क्या करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये मुझे दो बातें हैं, ये जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल करना है। 9C से कार्तिक, कार्तिक फ्रॉम 9C, आ जा बेटा फटाफट माइक के पास आ जा और मुझे बता कैसे मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल अब प्रूव करना है गिवन नहीं है, इसका मतलब कॉन्करेंसी से चलना पड़ेगा। कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट करके मेरी बात बनेगी? मैंने ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है, कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करूं ये बताओ सबसे पहले। तो मुझे आवाज नहीं आ रही। 9C अपना माइक चेक करो, आई कांट हियर यू। कल की तरह आज फिर कुछ दिक्कत है आपके माइक में? थोड़ा सा वायर वायर हिला के देखो, कुछ करके देखो, माइक को हाथ में लेके थोड़ा जोर से बोल के देखो, डू समथिंग। नहीं आवाज नहीं आ रही है बेटा, आई कांट हियर 9C। वायर हिला के देखिए माइक की, देखो जरा कुछ करके इसको, क्या पता चली बड़े बेचारा। ठीक है जी, आवाज आ गई, बोलो अब, बोलो बोलो। कौन से दो ट्रायंगल लो बेटा? एबीसी ए बी सी। वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं बोलना, यहाँ देखो क्या प्रूव करना है वो देखो, और अपनी समझ से बोलो। उनकी समझ से बोलोगे तो वो एबीडी का एबीसी हो जाएगा, अपनी अकल से सोचोगे तो ठीक काम करोगे। ये ए भी एक ट्रायंगल का हिस्सा होना चाहिए, ए सी दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा होना चाहिए। कौन से दो ट्रायंगल फिगर में नजर आ रहे हैं बेटा वो बता मुझे। एक ट्रायंगल जिसमें ए बी साइड आ रही है, दूसरी जिसमें ए सी आ रही है, कौन से ऐसे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किए हुए? एबीसी ए बी डी और दूसरा ए सी डी। ये दो ट्रायंगल हैं जिनमें ये ए बी और ए सी साइड्स आ रही हैं। अब इस फिगर को देख करके क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्करेंसी करने के लिए कुछ चीजों को इक्वल करना पड़ता है दो ट्रायंगल में। कुछ सामने से दिख रहा है कुछ इक्वल, कुछ भी जो भी समझ में आता हो आपको बताओ, कोई भी एक बात बता दे बस। एनी वन थिंग दैट यू कैन सी, कोई दो साइड बराबर दिख रही हो, कोई एंगल बराबर दिख रहा हो, कुछ भी जो भी दिख रहा है बोलो। उसकी बात मत सुनो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, बार बार बोल रही हूं। बोल बेटा, कोई कोई एंगल कोई साइड बराबर दिखती है कार्तिक? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है। चलो बेटा बहुत हो गया इतना आपके लिए। दो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कंसिडर किए, जिसमें ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये मुझे कॉमन दिख रहा है। 9D से सुखराज, सुखराज फ्रॉम 9D है सुखराज के नहीं? आवाज नहीं, आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है, ऑन करो, म्यूट है आपका माइक। हाँ जी अभी माइक ऑन हो गया, बोलो कुछ क्या बोलते हो। मैं अब जरा क्वेश्चन करोगे रिपीट।
अच्छा तो अभी तक क्या हो रहा था बेटे? मैम बाहर गए थे। बाहर थे आप। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एडीबीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मुझे एबीसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस बताना है, एबी इज इक्वल टू एसी प्रूफ करना है। अभी आपके एक साथी बता के गए हैं कि ये दो ट्रायंगल ले लो जी, एबीडी और एसीडी, इनमें एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन ये बताया गया, आगे क्या करूं, मुझे ये दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है और क्या नजर आता है इसमें। मैम बी डी इज इक्वल टू डी सी बी डी इज इक्वल टू डी सी, मैम एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90, और यहां डी इज मिड पॉइंट ऑफ, बी सी ठीक है जी। तो कौन से क्राइटेरिया से मेरे ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो रहे हैं बेटा? साइड एंगल साइड साइड एंगल, साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसकी कॉमन दोनों में, और ये इनका इंक्लूडिंग एंगल। गुड, गो टू योर सीट। आई कैन थैंक सी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस ए एस रूल, एंड बाय सी पी सी टी आई कैन से ए बी इज इक्वल टू ए सी। कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। जो प्रूफ करनी थी वो दोनों साइड्स को लोकेट कर लो, किन दो ट्रायंगल का पार्ट बन रही है, और सामने सब कुछ दे रखा है, ये बी डी बी डी सी के इक्वल, ये कॉमन हो गया, ये 90 90 डिग्री, एस से एस लगा, ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हुए, सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो चलो फिर थर्ड क्वेश्चन फटाफट से ड्रॉ करो जरा फिगर थर्ड क्वेश्चन का। जल्दी से फटाफट सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। एबीसी इज गिवन टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और गिवन है साथ में इन विच एबीसी इज एन आइसोस ट्रायंगल इन विच द ऑल्टीट्यूड बीई, ऑल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? हाइट, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी, इट मीन्स ये बी से एसी पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम, ऑल्टीट्यूड मीन्स द परपेंडिकुलर, बीई एंड सी एफ, सी एफ का मतलब सी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ऑल्टीट्यूड डाला, ये सी एफ टू इक्वल साइड्स एसी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। बीई ऑल्टीट्यूड है ऑन एसी एंड सी एफ ऑल्टीट्यूड है ऑन ए बी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मैंने ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल बताना है, क्या करना है मुझे? ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल करना है, तो पहले मैं टू प्रूव लिख लेती हूं क्या करना है मुझे। मुझे प्रूव करना है बीई इज इक्वल टू एफ सी, और गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगेन यहां पर कॉन्करेंसी पर जाना है, इसमें तो कोई डाउट वाला काम ही नहीं है, लेकिन कॉन्करेंसी पर जाने के लिए ट्रायंगल्स कौन से सेलेक्ट करने हैं ताकि ये दो साइड्स उसमें इंक्लूड हो जाएं, और कुछ इंफॉर्मेशन भी मुझे मालूम हो जिससे मैं आगे चल पाऊं। ये दो काम मुझे करने हैं, तो ये मुझे अब 9C से बताना है भूमिका ने, भूमिका फ्रॉम 9C।
बता बेटा, कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर करके मेरा काम चल सकता है? ABE. ट्रायंगल ए बी ई, चलो देखते हैं आप कह रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई, And ACF. ए सी एफ, इन दो ट्रायंगल में जो साइड्स मुझे चाहिए वो आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने इनको कॉन्करेंट करना है, क्या कोई ऐसे क्राइटेरिया मुझे नजर आ रहे हैं जिनसे ये कॉन्करेंट हो जाएं? क्या क्या इक्वल दिख रहा है इसमें वो बताओ। AB is equal to AC. ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ट्राइंगल इज गिवन टू बी आइसोसेलेस, बिल्कुल ठीक है बेटा आगे चलो। एंगल ए कॉमन. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन इन बोथ, परफेक्ट, आगे चलिए। एंगल एंगल बी ई ए, एंड एंगल सी एफ ए. एंगल सी एफ ए, ईच 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है बेटा। ट्रायंगल ए बी ई कॉमन हाँ ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्करेंट कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, किस क्राइटेरिया से कॉन्करेंट हुआ बेटा? दोबारा ऐसे ट्रायंगल सोच के बोलो, किस क्राइटेरिया से कॉन्करेंट हुए? आप दो एंगल्स की बात कर रहे हो, एक साइड की बात कर रहे हो, कौन से पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकते हैं दो एंगल एक साइड के साथ? एएस बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला एंगल अगर मैं ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, गो टू योर सीट, गुड अटेम्प्ट। ये देखो जी, इस ट्रायंगल की बात करें तो हमने एक बी ई ए मतलब इस एंगल की बात की, दूसरे एंगल ए की बात की, लेकिन साइड ए बी इंक्लूडिंग साइड नहीं है, इंक्लूडिंग साइड थी ए ई, वो नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं इक्वल है या नहीं। मुझे ए बी पता है कि वो ए सी के इक्वल है, तो ये जो दो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हुए हैं वो ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हो रहे हैं बाय ए ए एस रूल से, और सीपीसीटी से आई कैन से बी ई इज सेम एज बी एफ। थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करके अगर आप काम करें तो कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। ट्रायंगल ढूंढ लो, ट्रायंगल में क्या क्या कुछ इक्वल दिया है वो ढूंढ लो, चार पांच क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से सोचते जाओ क्या चीज इक्वल मिल रही है, क्या करी जा सकती है इक्वल, और वहां से आंसर निकाल। हाँ जी, यहां तक के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, एक बार दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो हम पहले इन तीनों को ही एक बार दोबारा देख लें, और अगर नहीं डाउट है तो आगे चलो मैं। हाँ जी, इन दीज थ्री क्वेश्चंस इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नाइन्थ डी में क्या हो रहा है बच्चों? बच्चों हाँ जी, नाइन्थ डी, ये यहां पर बच्चे खड़े क्यों हैं? कुछ मैं वो सिलेक्शन हो रही है उनकी किसी चीज में। क्लास के बीच में अगर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थ्री, जल्दी से फटाफट पढ़ो क्वेश्चन, डायग्राम को ड्रॉ करो, ढूंढो ट्रायंगल्स कौन से को कॉन्करेंट करना है, क्या करना है, जल्दी से। ABC is triangle in which altitude BE CF two sides AC BE are equal. अब पिछले क्वेश्चन में साइड्स इक्वल दी थी, ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल करना था, यहाँ ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हैं, साइड्स को इक्वल करना है, रिवर्स हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से, वहां पे ट्रायंगल आइसोसेलेस दे रखा था
ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल करना था, अब ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हैं, साइड्स को इक्वल करना है। एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बीई इज इक्वल टू सी एफ, गिवन है मेरे पास बीई इज इक्वल टू सी एफ। पहले हमें ट्राइंगल ए बी ई को कॉन्करेंट करना है ट्राइंगल ए सी एफ के साथ। हाँ जी, मेरे को ये बताएगा 9E से संदीप, संदीप फ्रॉम 9E, हाँ बेटा बोलो, ये दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है। ट्रायंगल आपका एक है ए बी ई और दूसरा है ए सी एफ। आवाज आपकी मेरे तक नहीं आ रही है, एक बार जरा माइक चेक कर लो, जिसको मैं पूछती हूँ उस क्लास का माइक ही खराब हो जाता है बेचारा। 9E, आई कांट हियर यू। मैम बी एफ इज इक्वल टू सी एफ गिवन है, एफ इज इक्वल टू सी एफ है, BE is equal to CF, it is given in the question. आगे चलो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल आई राइट BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, कॉमन है दोनों में, बिल्कुल ठीक है बेटा। आगे चलो, आवाज फिर गायब होगी। जो हाँ 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 बोलो, एंगल एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई में ईच 90 डिग्री है, पूरा नेम करो, क्योंकि एंगल ई और एंगल एफ पर ये एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, किसको वन किसको टू बोलू, पूरा नाम लिख लेते हैं या नेमिंग कर दो, इसको वन बोल दो, इसको टू बोल दो, मतलब आपको नेमिंग अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर कह देते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी एफ एच 90। व्हेन आई टॉक अबाउट सी एफ ए मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं जो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, और जब बी ई या ए ई बी की बात करें तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम जो कि इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो किस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होंगे बेटा? मैम एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से मेरे ये दो ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्करेंट, और जो प्रूव करना था मुझे बी ई इज इक्वल टू सी एफ, वो हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है जी, चलिए गुड, गो टू सीट। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ एक में ऑल्टीट्यूड बराबर दिए थे, साइड्स को बराबर करना था, एक में साइड्स बराबर दी थी, ऑल्टीट्यूड्स को बराबर करना था। वही दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए, एंगल वही ए कॉमन 90 90 डिग्री, एक में ये दो साइड्स बराबर थी इनको बराबर बोल दिया, एक में ये दो बराबर थी इनको बराबर कर दिया सीपीसीटी। ठीक है जी, लो जी फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC and DBC are two isosceles triangles on the base BC. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपके पास BC बेस पर दो isosceles triangle on opposite sides, this is ABC और DBC. और फिगर में जो साइड्स बराबर दे रखी हैं वो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया हुआ है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे बताना है ए बी डी
मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर बताना है। हाँ जी, 9F से मानव शिफ्टेड मैम शिफ्टेड। 9F से अमित। शिफ्टेड ओहो, मानव एंड अमित बोथ शिफ्टेड। शिफ्टेड हाँ जी, 9F से मंजोत। कोई है भी कि सारे शिफ्टेड हो गए हैं? परमिंदर। शिफ्टेड ध्रुव। हाँ शिफ्टेड मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जी वो ध्रुव किसी भी सेक्शन में शिफ्टेड है, जिस भी सेक्शन में होगा वहां तो सुन ही रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली शिफ्टेड है तो सुन रहे होंगे वही बिल्कुल सेक्शन। जी, ये बात ठीक है। यस बिल्कुल जी, ध्रुव कहाँ मैम उसने है ध्रुव? स्कूल लेफ्ट कर दिया। लो जी, अब वो ना कुछ कह देना। चलिए अमित, वेयर वेयर एवर ही इज कम नियर द माइक एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आ जा बेटा अमित, बता क्या करें। ये पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के बराबर प्रूव करना था, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बोलो क्या करें। कॉन्करेंसी का इस्तेमाल करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बात बनेगी, क्या कर सकते हैं, जल्दी से सोच के मुझे बता दो बेटा, जल्दी से सोच, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट करो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या कहा था कि दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बेटा? वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ाना भूल जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं बेटा? हाँ जो एक दूसरे के सामने होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं, अपोजिट तो है ही है, वर्टिकली अपोजिट नहीं है तो क्या करें, आमने सामने तो हैं बेटा। सबसे पहले तो अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल का डिफरेंस समझ लो। वर्टिकली अपोजिट का मतलब दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पर होने चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बन सकते हैं? नो ओके चलो अब मैं रीफ्रेम करती हूं क्वेश्चन को। ट्रायंगल एबीसी को देखो जरा। ट्रायंगल एबीसी में ए बी साइड ए सी साइड के बराबर दे रखी है और मेरे पास प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स के अपोजिट, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो बेटा सोच के मुझे बताना, इस ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है ट्रायंगल ए बी सी में, बात करूं तो? एसी ए बी ए सी भी बोल रहा है, एसी ए सी दो वर्टिसेस का नाम लेकर के एंगल कैसे बनेगा बेटा? ए सी तो ये लाइन है, एंगल तो है नहीं। एसी बेटा पहले जरा ध्यान से चीजों को समझ लो। ये अगर आपका ट्रायंगल है और इसमें अगर आपको एंगल्स की बात करनी है, एंगल ए बी सी मतलब इसकी बात हुई, एंगल ए सी बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल बी ए सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल।
ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल बीसीडी की बात करें तो ये और ये आपस में बराबर, क्योंकि ये इक्वल साइड है, इनके अपोजिट एंगल ये पार्ट आई मार्क इट एज दिस एंड दिस, ये हो गया टू और ये वाला पार्ट रेड वाला वन एंड वन। अब अगर मैं वन प्लस टू करती हूँ, वन इज इक्वल टू ये वन है, टू इज इक्वल टू टू, सो अगर वन प्लस टू करते हो तो वो भी बराबर आएगा। इसका मतलब एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन क्यों है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू है क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी है। एड कर दूं एंगल वन प्लस एंगल टू इज सेम एज एंगल वन प्लस एंगल टू, दो बराबर चीजों को एड करोगे तो एंड रिजल्ट भी बराबर ही आएगा। वन प्लस टू आई कैन राइट इट एज एंगल ए बी डी एज वेल एज एंगल ए सी डी। मुझे ये दो एंगल्स को ही इक्वल करना था, ए बी डी एंड ए सी डी। तो सिंपल हमने प्रॉपर्टीज यूज कर ली आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये आप क्या कर सकते थे, ए और डी को ज्वाइन कर दो। अब ट्रायंगल ए बी डी ले लो और ए सी डी ले लो, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी ए डी कॉमन, ट्रायंगल कॉन्करेंट अपोजिट एंगल्स सीपीसी। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तीन क्वेश्चन रहते हैं, वो हम देखते हैं कब करेंगे डिस्कस। चलिए जी, तो ये जितने क्वेश्चन आज हमने किए इनको वापस जाके एक बार कर लेना, ताकि कोई दिक्कत हो तो वो साथ के साथ हम अगली क्लास में सॉर्ट आउट कर सकते। बच्चों ओके जी, बाय बाय।